दामपुर में दिनदहाड़े महिला के गले से चेन की लूट, अपाचे बाइक सवार दो युवकों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। आपको बताते चले कि दामपुर नगर के पंजाब नेशनल ब्रांच के सामने दामपुर सुभाष चौक निकट निवासी शांति शर्मा एसबीडी कॉलेज के हॉस्टल में जा रही थी, तभी सामने से अपाचे बाइक पर सवार होकर दो युवकों ने शांति शर्मा के गले से चेन चपाट ली और फरार हो गए। शांति शर्मा ने बताया कि चेन का कुछ हिस्सा उन्हीं के गले में कपड़े में अटका रह गया और आधी से ज्यादा चेन लूटकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना से नगर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी की तलाश में जुट गई। नवभारत समाचार दामपुर उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार प्रजापति। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शांति शर्मा नाम है मेरा, और मेरे साथ आज एक हादसा हुआ है। मैं सुबह 9:57 पर घर से निकली और कॉलेज जाने के लिए, एसबीडी का हॉस्टल भी है उधर ही जी। और मैं यहाँ जो पेट्रोल पंप है उससे थोड़ा आगे निकली थी, तो सामने से मोटरसाइकिल पर दो लड़के आ रहे थे और मेरे गले में चैन थी, उन्होंने बड़ी ज़ोर से झपट्टा मेरी चैन के ऊपर मारा और चैन टूटी और टूट के कुछ टुकड़ा मेरे गले में अटका रह गया और कुछ टुकड़ा उनके पास में पहुंच गया। चैन लूट कर फरार हो गए? हाँ, चैन लूट के फरार हो गए, दो लड़के थे। बल्कि मैं आगे बढ़ी तो कई सारे लोग सामने भीड़ से पुलिस को सूचना दे दी। हाँ, पुलिस को सूचना मेरे बेटे ने जाके फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया और एसपी साहब भी और जो एसओ हैं वो लोग सब लोग आ गए और सीसीटीवी में उन्होंने चेक किया तो वो लड़के वहाँ पर उसमें आ गए बिल्कुल कि कौन लड़के हैं।